हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभूतिस डेली एप्रन। आज मैं आपके लिए इंस्टेंट फ्रूट क्रीम डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो जैसा कि नाम है इंस्टेंट, ये बनाने में भी बहुत झटपट बनती है और खाने में भी बहुत यमी होती है और बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट है। तो चलिए हम बनाते हैं इंस्टेंट फ्रूट क्रीम, और जो कि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं तो ये बहुत न्यूट्रिशियस भी है। तो चलिए बनाते हैं झटपट अपनी किचन में इंस्टेंट फ्रूट क्रीम डेजर्ट। इंस्टेंट फ्रूट क्रीम डेजर्ट बनाने के लिए देखिए मैं क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने ट्रॉपोलाइट हेवी क्रीम है मेरा, इसका मैंने एक बड़ा कप से भर के मैंने ये क्रीम लिया है। ये क्रीम टेस्ट में स्वीट होता है, इसलिए मुझे चीनी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक प्रोमोग्रेनेट को छील करके ले लिया है। ये मेरे कुछ थोड़े से टूटी फूटी है जिसको मैंने ऊपर गार्निश करने के लिए रखा है। एक एप्पल को मैंने क्यूब्स में काट के रखा है, छोटे क्यूब्स में। ये मैंने पाइनएप्पल का टुकड़ा है और ये मैंने ग्रेप्स लिया है। ये मेरा वेनिला एसेंस है। इसकी तरफ चलते हैं। मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है, इसमें अपनी हम क्रीम डालेंगे और इसे हम अच्छे से व्हिप कर लेंगे। क्रीम को हमें तब तक व्हिप करना है जब तक ये दुगना ना हो जाए। देखिए क्रीम हमारी डबल हो गई है और बिल्कुल इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है। हमें ऐसे ही करना है और इसके बाद इसमें हम सारे फ्रूट्स डालेंगे। सबसे पहले वेनिला एसेंस की एक दो बूंदें डाल दें, इससे फ्लेवर और भी अच्छा आता है। मैंने पहले एप्पल डाला, अनार के दाने डाले, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए मेरे क्रीम में सारे फ्रूट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि ये डेजर्ट चीड अच्छा लगता है। तो इसे आप एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, वापस इसको सर्व करें। बस हमारी फ्रूट क्रीम रेडी है, इसे अभी हम सर्व करेंगे। थोड़े से टूटी फूटी से थोड़े से कटे हुए बादाम से आप गार्निश आपकी चॉइस से कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। मैंने ऐसे किया है और सेंटर में मैं एक चेरी डाल रही हूँ। तो हमारा फ्रूट क्रीम बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपका इंस्टेंट फ्रूट क्रीम डेजर्ट रेडी है। ये देखने में जितना यमी है खाने में भी उतना ही यमी है। तो फ्रेंड्स इसे बनाइए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।